हेलो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ये है मेरा छोटा सा फ्रिज जो 5 स्टार है। 5 स्टार का मतलब है कि यह बहुत कम बिजली लेने वाला है। चलिए देखते हैं क्या अरेंजमेंट है इसका। आइस बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा आइस बॉक्स है इसका, लेकिन ये काफ़ी है। जब गर्मियाँ बढ़ती हैं तो इसमें एक साइड हम बल्ब जमाते हैं और एक साइड मटर को स्टोर कर लेते हैं। अभी मटर नहीं है तो पूरे में बर्फ है। और इसकी जो नीचे की ट्रे है उसमें मैंने एक बॉक्स में बटर रखा हुआ है, जिससे ये बटर नीचे की ट्रे पर जमे नहीं या ख़राब ना हो। और ये है कूलिंग पैड, सिकाई का जो पैड होता है वो भी यहीं पर स्टोर है। इसके जस्ट नीचे जो ट्रे है उसमें मैंने अपना दूध और मलाई को स्टोर किया हुआ है। आप कोई भी चीज़ जब रखते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। ये उसके लास्ट वाली जो है इसमें है दही और रात की बची हुई सब्जियाँ। इन सभी सब्जियों को अच्छे से प्लेट से ढककर रखा गया है। इसके नीचे जो लंबे टाइम तक स्टोर किया है, जैसे मिठाइयाँ हैं और ये पनीर बनाकर रखा है, इसके नीचे मैंने एक प्लेट लगाई हुई है जैसे और बॉक्सेस को गंदा ना करे। इसमें स्प्राउट्स हैं, क्योंकि स्प्राउट्स हम लोग मोस्टली नाश्ते में लेते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं इसको मैंने तीसरी रैक पर स्टोर किया है। आप देख रहे हैं कि फ्रिज को बहुत हद तक खाली रखने की कोशिश की गई है, जिससे फ्रिज की कैपेसिटी कम ना हो। ये है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप प्लीज़ इसके बकेट को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि जो दो छोटे बच्चे हैं वो ऐसी शैतानियाँ कर देते हैं। तो ये है इसमें जो एक छोटी सी बकेट अंदर है, जिसमें नींबू और चीकू वगैरह जो सॉफ्ट फल होते हैं उन्हें रखा गया है। एक छोटी बकेट है जिसमें मैंने टमाटर और सैलेड के आइटम रखे हैं। नीचे काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, जैसे एक साइड बैंगन, शिमला मिर्च, और एक पेपर में धनिया है। यदि आप पेपर में धनिया रखते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक स्टोर रहता है और जल्दी ही सूखता नहीं है। इसके जस्ट नीचे वाली आप रैक को देखेंगे तो यहाँ पर कूटू है, जैसे मैंने पीछे की साइड और नीचे रखा है क्योंकि यहाँ पर कूलिंग सबसे ज़्यादा होती है। ये भी सब व्रत का आइटम है, जिसमें समा के चावल, इन सबको एक ही बॉक्स में रखा है। यहाँ पर एक मैट बिछाया है जिससे यहाँ पर गंदगी ना हो। और ये है हरी मिर्ची और अदरक का डिब्बा। हरी मिर्ची की ना डंडी तोड़ दी है, जैसे ये ख़राब नहीं होती बहुत दिनों तक। और अदरक को यदि हम बॉक्स में रखते हैं तो वो सूखा हुआ या फिर पंदीला सा नहीं होता है। इसके जस्ट पास में मैंने रखे हैं न्यूज़पेपर में कुछ केले। केले को यदि आप न्यूज़पेपर में फ्रिज में रखते हैं तो ये 3-4 दिन ईजीली चलते हैं। यदि इनका छिलका ऊपर से ब्राउन हो भी जाता है, लेकिन अंदर से केला एकदम अच्छा और अच्छे से स्टोर रहता है। आलू और प्याज मैंने बाहर बकेट में डाले हुए हैं, वो मैंने फ्रिज में नहीं रखे हैं। इसके नीचे एक रैक है जिसमें हमने मसाले स्टोर किए हुए हैं सारे, कॉर्नफ्लोर मसाले, और ऊपर हम पानी की बोतल, कुछ फ्रूटी, ये चॉकलेट सिरप है ये है, और यहाँ पर है एक ग्लूकोज का डिब्बा, और कुछ नींबू भी मैंने ऊपर डाले हुए हैं, क्योंकि आप जब काम करते हैं तो आपको मन होता है आप नहीं झुकें, ऊपर से उठाएं। और जो कटा हुआ नींबू है इस पर मैंने नमक लगा कर रखा है, जिससे नींबू का टेस्ट ना ख़राब हो। ये कुछ करी पत्ते हैं जिन्हें मैंने सुखा कर फ्रिज में स्टोर कर लिया है। इसमें थोड़ा सा अचार है जो बिना ऑयल का है। और ये है ब्रेड, ये सूखी नहीं या फिर खुली हुई ना रह जाए, इसके लिए जो बेस्ट हेयर क्लिप्स होते हैं उनको यूज़ किया है, जिससे एयर टाइट हो गई है। इसके ऊपर भी हमने कुछ मसाले स्टोर किए हैं, ये है सूजी और मैदा, जिन्हें मैंने बॉक्स में नहीं डाला है और पॉलीथिन में स्टोर किया है हेयर क्लिप्स के साथ, जिससे एयर टाइट तो रहती ही है और बहुत कम स्पेस में काफ़ी सारी आ जाती है। इस बॉक्स में आपने देखा गोले चिरौंजी है और बड़े गोले मैंने ऊपर रखे हैं। इधर ये जो छोटा है इसमें कॉफ़ी का जो पाउच है उसको लपेट कर साइड से रखा है, इसी में हम आई ड्रॉप्स या फिर बर्नॉल भी रखते हैं, जो हमारी वैसी वाली मेडिसिंस होती हैं।
और इसी तरह से हम अपनी फ्रिज का अरेंजमेंट करते हैं। फ्रिज के अरेंजमेंट के टाइम हम ध्यान रखते हैं कि ये ज़्यादा भरा हुआ ना हो, जिससे हमारा फ्रिज की कैपेसिटी कम ना हो। दूध को हम सबसे ऊपर वाले पार्ट पे रखें, जैसे कभी कुछ गिरता भी है तो दूध फटे नहीं। और जब कोई ओकेज़न होता है घर पे तो दूध को मैं बाहर रख के बॉईल कर लेती हूँ। ये सारी ट्रे हमारी खाली हो जाती हैं ऊपर की, तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाता है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं उसको। और इस फ्रिज की क्लीनिंग के लिए, इसकी ट्रे की जो क्लीनिंग है, ये जम फ्री भी हो जाए, उसके लिए आप थोड़ा सा विनेगर लेकर उसमें सोडा डालिए और इसको स्प्रे कीजिए और एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ।